गए बा। आपके बतावत ना की पहला हेलीकॉप्टर आप देखी वो ललका वाला बा, जोन में संजय निषाद जी यहाँ पे जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं उनके हेलीकॉप्टर है। तो दूसरा हेलीकॉप्टर ही बा, दूसरा हेलीकॉप्टर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का बा, और जो तीसरा हेलीकॉप्टर वहाँ दिखाई देता वो हेलीकॉप्टर जो डिप्टी सी यहाँ पे एक साथ तीन तीन हेलीकॉप्टर लैंडिंग किया गया है। और यहाँ पे यहाँ की जनता जो है लोग से भी बात करते, बहुत बहुत स्वागत है सर। एक साथ तीन तीन हेलीकॉप्टर यहाँ आपके द्वारा क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। ये मोदी जी की गारंटी है, द्वारा में इतना विकास हुआ है, जनता का आपस नहीं है कि आज तीन तीन हेलीकॉप्टर आ रहा है। जब से भारत आजाद हुआ एक साथ तीन तीन हेलीकॉप्टर यहाँ पे आज लैंड किया है। ये देखिए आंधी जो आ गई, ये रक्त तूफान आ गया और यहाँ पे हेलीकॉप्टर धुरकंड हो गई। नमस्कार प्रणाम सस्त्रिया काल अदाब गौर लागत नी। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र पहुँचल बानी यूपी के संत कबीर नगर जनपद के लोकसभा 62 विधानसभा दनघटा में। और विधानसभा दनघटा में चुनावी सरगर्मी तेज बा। 25 तारीख के यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हुई भैया हो। हम बतावत बाटे कि यहाँ लोकसभा 62 और विधानसभा दनघटा में आज दुई दुई विशाल जनसभा होतिया। दनघटा द्वाबा बाग में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आवत बाटे, तो वहीं दनघटा विधानसभा के डेबरी गांव में आपके देखावत तानी तीन तीन हेलीकॉप्टर यहां पे लैंडिंग भइल बा। एक हेलीकॉप्टर से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी अल हमें, तो दूसरा हेलीकॉप्टर जो ललका वाला बा ललका वाले हेलीकॉप्टर से यहाँ के कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के संजय निषाद जी अल हमें, जो है उजरका और गेरुआ वाला हेलीकॉप्टर बा भैया। ऐसे अल हमें जो पियरका चाचा के नाम से प्रसिद्ध बा सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी अल बाटे। और यहाँ के भीड़ के दिखावता थी कुछ लोग ही बतावता कि यहाँ पे अपने नेता के सुने आयल बा, तो कुछ लोग बतावता कि हम हेलीकॉप्टर देखे आयल हैं। काकी से बात करब, का हाल चाल बा? ठीक हाल चाल बाबू। कहाँ घर पड़ी? वहाँ कुशहवा। कुशहवा, यहाँ का करे आयल बाड़ू? नेता लोग सुने आए रहे हेलीकॉप्टर देखे बदे आयल बाड़ू? नहीं है? तो आई हमने सुन के देखा दी कार्यकर्ता बाट इधर आवा इधर आवा। कहाँ आयल हेलीकॉप्टर देखे? नहीं, एक लड़का हमारा घूम गया। इनकर बचवा हेरा गए बा, भीड़ में अपने बचवा के खोजत बाटिन। यहाँ पे और लोग बा, का बिटिया कहाँ घूमत टू? बस यही आई बैठी माई साथ, माई दादी साथ आई। का है भैया, का समाज पार्टी जिंदाबाद? समाज पार्टी जिंदाबाद। ओह, समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 जगमान साथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जोगी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब शांत 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 शांत, यहाँ पे देखी लोग निषाद पार्टी जिंदाबाद का नारा लगा होता। लेकिन हम सवाल करब इन लोगन से कि अब की बार ही बतावा ना 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 अब की बार चार सौ बार। अरे विरोधी के हद बाटे, अब की बार राप्ती पार। का कहबो? अब की बार चार सौ बार की राप्ती पार। चार सौ बार गिराफ्ती पार। 400 पार। 400 पार अब की बार 400 पार। जनता का हथिया का 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 हाल चाल बा? ठीक बा, बहुत बढ़िया बा। नाम बा? गौरी शंकर राजभर। तो का आज अपने नेता के सुने आयल बाटा कि हेलीकॉप्टर देखे? अरे हेलीकॉप्टर तो भैया बहुत देखे हैं, नेता के देखे आयल है और नेता जितावे आयल है, पहली साल के जितावे आयल है। पहली दफे यहाँ पे तीन तीन हेलीकॉप्टर देखला है? जिंदगी पहली बार आयल क्षेत्र में। पहली बार? हाँ, जिंदगी पहली बार। हाँ, तो कोने मुद्दा पर अब की बार चुनाव हुई? कौने मुद्दा पर? जो सब फ्री खाद बा। हाँ, फ्री खाद जेकर खाई तेकर गाई, हराम नहीं करी, नमक हलाली नहीं करना है। तक हटा जेकर खाई तेकर गाई। जय निषाद। देखी आपके दिखावत नहीं, जय निषाद राज के नारा लगता
और यहाँ पे आपके बतावत आती कि यहाँ पे जनसभा होत बा, यहाँ पे जनसभा होत बा और यहाँ पे लोग जनसभा के सुने बदे आयल बा। हम लोगन से बात करता नहीं यहाँ के, ये देखिए कोने तरीके से यहाँ के जनता हेलीकॉप्टर देखे वाली जनता कह दिया सबके जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगावतिया। कहो का कहवा? एक लड़का विकलांग है उसका। कौन है? यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यह भीड़ है, यह भीड़ को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक विकलांग व्यक्ति आया है, कहाँ का बेटा? यहाँ हेलीकॉप्टर देखे? हाँ हाँ। अच्छा हेलीकॉप्टर ना देख ले ला है? देख ले रहा नहीं। संजय निषाद के? संजय निषाद का करे है बेटा? ये अपने बिरादर जितावे आल है। इनका हेलीकॉप्टर देखे आयल बता? नहीं प्रचार करे आल है। प्रचार करे आयल बता? हम कहली लड़का हेलीकॉप्टर देखे बदे आयल बता, लेकिन ना कहत बता नेता के जितावे आयल बाती। और ये देखिए पूरी तरीके से यह जनता बताओ दी। एक दाई और हम दिखावे कोशिश करता नहीं, एक दाई और हम दिखावे के कोशिश करता नहीं, एक दाई और दिखावे के कोशिश करत बाटी। ये देखा है प्रशासन के लोग बाटा, ये चप्पे चप्पे पे लोग तैनात बाटे, जो यहाँ का एसपी बाटा सत्यजीत गुप्ता जी, उनके नेतृत्व में कि कोनो भी शांति व्यवस्था कहीं भंग ना हुआ, जेके लेकर के पूरे जगह आज विधानसभा जोन बा दनघटा में दुई दुई विशाल जनसभा होत बा, विशाल जनसभा में कोनो प्रकार के शांति व्यवस्था भंग ना हो, जेके लेकर के जगह जगह पूरी तरीके से फोर्स के तैनात कई देवल गई बा। भैया बतावत आती यहाँ पे तीन तीन थी हेलीकॉप्टर एक साथे उतरल बा, उजरका हेलीकॉप्टर से फिर कहता नहीं विशेष विशेष ध्यान दे। और हे है हेलीकॉप्टर देखे बदे बचबे आयल बाटे इन्हन के वोटर, कहाँ झंडा लेके पढ़ले घुमा पढ़ले के पढ़ाले कुमार हते यहाँ प्रचार कथा सजनी नहीं छोटे छोटे बच्चे में हेलीकॉप्टर देखे बदे यहाँ आयल बाटे और कहत बाटे कि अभी हम अपने जो संजय निषाद जी बाटे उनके जितावे आयल बाटे। कैमरा मैन से एक बार और कहते तू फोकस करा और दिखावा वो उजरका हेलीकॉप्टर से डिप्टी सीएम यहाँ के ब्रजेश पाठक जी आयल बाटे जनसभा के संबोधित करत बाटे और ब्राह्मण वोट के एकत्रित करे बदे आयल बाटे। यहाँ पे शंखनाद भइल है। जोर से बोला भाई हिया कमल के वोट पर, कमल के फूल पर, हिया कमल के फूल पर वोट देबा तो हुआ मिली, हिया देबा तो हुआ मिली। कहा घोसी भारतीय समाज पार्टी के लोगों कान खोल के सुन लो, आपके बीच में मैंने कहा था कि 24 में महाराजा सुहेल देव जी का सिपाही दिल्ली की पंचायत में जाएगा। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? और अकेले नहीं जा सकता। आज जब निषाद जी, राजभर जी, चौहान जी बिना देखले पोखरी में से माल निकाल दे रहा बोला निकाल दे रहा कि ना निकाल दे रहा बिना देखले तनी से चाल करे तो झट से बाहर तैयार देख के बटन दबावे के हमें बिना देखला जब बाहर निकाल दे तो देख के बनावे के बाद ऐसा दबावा की बटनिया फूल वाली दबले रहे सवेरे दबा दे 7 बजे दबले रहे वोट पड़त रहे मन मान दूसर पार्टी वाले जाए तो खाली है चिल्ला की मशीनी बदल दे इन्होंने के पहले तो वो ठही है नहीं सही बताओ थे। अरे ये लोग के हम आपके बताओ थे ये जो विपक्षी लोग घूमत हुआ ये लोग का जब हवा रहा जहां से हवा भराला छुचिया में वो छुचिया हम निकाल के लेके चलिया प्रचार हो ना हो एक एक वोट चुन करके कमल वाली बटन दबा करके प्रवीण निषाद जी को दिल्ली की पंचायत में भेजना। और सबसे पहले ग्रुप पर निषाद भाइयों को बता देना, ब्राह्मण भाइयों को बता देना, राजपूत भाइयों को बता देना, यह 20 करोड़ आबादी प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान भारत में अगर किसी का है तो उत्तर प्रदेश का है। तो माल दे माल
एनडीए के सबसे बड़े नेता, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संजय निषाद जी सबसे बड़े नेता, और आप सब इतने बड़े हुजूर के साथ इकट्ठा है। इतना समृद्ध मंच आज पहली बार निषाद जी के साथ प्रवीण निषाद जी के समर्थन में इकट्ठा। हम सब जानते हैं आदरणीय मोदी जी ने देश के अंदर गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीब जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर उठ गए हैं और उनको मान सम्मान के साथ जिंदगी जीने का हक मिला। आज हम कह सकते हैं हर गरीब को पक्का मकान मिला। गरीब का सपना होता है भले ही कच्चे मकान में पैदा हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए कम से कम 2 कमरे का पक्का मकान बना करके जाए। आज हम कह सकते हैं कि देश के 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान मोदी जी ने देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इसको बढ़ाते हुए 3 करोड़ और मकान बनाने के लिए कहा। मोदी जी जहां भी जाते हैं सभा में, आप क्या भी आने वाले हैं, मोदी जी कहेंगे कि हमारा एक काम करिएगा, जब तक संत कबीर लोकसभा क्षेत्र में एक एक गरीब का पक्का मकान नहीं बन जाता, यानी कोई चलने वाली नहीं है। मैं अपने निषाद समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, निषाद समाज के ढेर सारे भाई बहन इकट्ठा है, निषाद समाज का अगर पूरे देश में पूरे प्रदेश में सर्वमान्य नेता है तो डॉक्टर संजय निषाद है, जिन्होंने पूरा जीवन निषाद समाज के लिए दे दिया। और समाजवादी पार्टी ने क्या किया है, चाल खेल करके निषाद समाज को धोखा देकर के कैंडिडेट खड़ा किया है, वो केवल गुमराह कर रहे हैं। इसलिए निषाद समाज के लोगों इकट्ठा हो जाओ और वोट के बदला लेकर के साइकिल को नेस्तनाबूद करते हुए कमल को प्रचंड बहुमत से खिलाओ। ये हमारा क्षेत्र है, आप वोट करेंगे। कितनी बड़ी संख्या में नेता लोग इकट्ठा है तो कैसे काम होगा। मुझे अच्छी तरह याद है हनुमान जी जब चले बचपन में तो सूर्य देवता को उन्होंने खिलौना समझ करके मुंह में रख लिया था। आप सब लोगों को कहानी बचपन में मां ने सुनाई होगी, तो सूर्य देवता जब मुक्त हुए तो हनुमान जी को वज्र मार दिया था इंद्र ने, तो उन्होंने जब पता चला ये तो हनुमान जी पवन पुत्र है, पवन पुत्र ने पवन भगवान ने हवा रोक दी, तो हनुमान जी को सारे देवी देवताओं ने आशीर्वाद दे करके उनको ताकत बलशाली बनाने का काम किया था। आज मंच पर हमारे ओमप्रकाश राजभर जी, राजभर समाज का एक एक वोट हमारे प्रवीण निषाद को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट हमारे प्रवीण निषाद को मिलेगा और निषाद समाज का एक एक वोट हमारे प्रवीण निषाद को मिलेगा, यानी सर्व समाज का वोट तो हमारे प्रवीण निषाद के पास। यादव समाज के बड़े लोग बड़े संख्या में प्रधानों ने पार्टी ज्वाइन किया है, यादव समाज आसपास बड़ी संख्या में रहते हैं। मैं आज आपसे अपील करने के लिए आया, अपनी बात को सुने और समझे, अपनी राजनीतिक ताकत को समझे, सब लोग इकट्ठा होकर के इस बार कमल का बटन दबाएं। और ये मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, ओमप्रकाश राजभर जी आपके साथ है, संजय निषाद जी आपके साथ है, अनुप्रिया पटेल जी आपके साथ है, मोदी जी आपके साथ है, योगी जी आपके साथ है, और आपका भाई आपका बेटा ब्रजेश पाठक जी आपके चरणों की सेवा करने का काम। संत कबीर लोकसभा के जो भी व्यक्ति लखनऊ आएंगे हमारे दरवाजे उनके लिए खुले रहेंगे, हमारी बात को ध्यान से सुन करके प्रवीण भैया को जीता देना, प्रचंड बहुमत से कमल खिला देना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात, सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। अभी तक 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी आगे है, सभी सीटें जीत रही है। आप देखेंगे 80-80 लोकसभा सीटें भाजपा ही जीतेगी, प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। राहुल गांधी मंदिर के दर्शन कोई मतलब नहीं है, राहुल गांधी जी ये कोर्ट पे जनेऊ पहनने वाले लोग हैं, सनातन विरोधी है, जनता ने इन्हें नकार दिया है।